कैसे हो यार? नोबल प्राइज बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। देखो यार, एक चीज़ से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में दो किस्म के आदमी हैं। मान लो जब किसी एक बंदे की डेथ हो जाए, या तो बोलेगी दुनिया बहुत अच्छा है, या बोलेगी दुनिया के अंदर गंदा इंसान है। ठीक है, इस वाले केस में लोग तब बोलते हैं जब में बहुत बुरा। क्या हुआ, एक बंदा था, उसका नाम था अल्फ्रेड नोबल। बट इसे लगा कि जब मैं मर जाऊंगा, न्यूज़पेपर वाले मेरे बारे में क्या लिखेंगे। ठीक है जी, जब मैं मर जाऊंगा तो न्यूज़पेपर वाले मेरे में क्या लिखेंगे। क्यों? इसने खोज करी थी डायनामाइट, खोज करी थी इसने। और डायनामाइट का इस्तेमाल जानते हो किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है? वैसे तो उसको पहाड़ तोड़ने के लिए बनाया था, लेकिन उसको वॉर में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया दुनिया भर के। तो न्यूज़पेपर में हेडिंग्स आना स्टार्ट हो गया, दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी मर गया जिसने दुनिया को सबसे बेकार चीज़ दी। अब उसने कितनी नेगेटिव चीज़ बना दी दुनिया की, लोग उसके मरने के बाद ऐसा सोच डिसाइडेड कि नहीं यार, मैं काम तो बहुत बुरा कर दिया है, मैं एक ऐसा पुरस्कार बना के जाता हूँ अपनी विल से, एकदम पैसा पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया उसको याद कर। के नाम पे स्टार्ट हो गया। जैसे अभी पाकिस्तान के एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है ए क्यू खान, अब्दुल कादिर खान, ए क्यू खान। ये बंदा फादर है इस वक्त जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब दिया पाकिस्तान। अच्छी बात है, देश के लिए करा उसने, लेकिन इसने यही टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को भी दे दी, ईरान को भी दे दी बम बनाने की। अब जब इसकी डेथ हुई तो जो बीबीसी है उन्होंने लिखा कि दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी चला गया, साथ में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क पे हाथ रख दो, क्या लिखा हुआ था? दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी, सेम आज से कई साल पहले इसके लिए बात बोली गई। समझ गए हो? ए क्यू खान कौन थे? फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान, इन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर हथियार दिए। अच्छी बात है, देनी चाहिए, लेकिन नॉर्थ कोरिया को भी दे गया और ईरान को भी दे गया। ये थे अल्फ्रेड नोबल। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? स्टॉकहोम के अंदर, स्वीडन के अंदर। स्वीडन एक ऐसा देश है और शांति प्रिय, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क बेस्ट कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, बेस्ट। मतलब दुनिया के अंदर अगर कहीं सुख है या कुछ भी है वो यही है। तो कहाँ जन्म हुआ? स्वीडन के अंदर जन्म हुआ, स्टॉकहोम उसकी कैपिटल है। किसका? अल्फ्रेड बर्नार्ड। इसकी खोज करी, अगर मैं बताऊं तो आपको एक एक वर्ड आपने अच्छे से पढ़ना है। खोज करी इसने डायनामाइट की, खोज हो गया। और उसके बाद इसने अपनी विल तैयार करी कि मैं मर जाऊंगा तो उस अवार्ड्स वगैरह दिए जाएंगे, साइंस की फील्ड के अंदर काम करा जाएगा। उसकी डेथ के बाद, डेथ कब हुई इसकी? 10 दिसंबर 1896 को इस व्यक्ति की डेथ होगी, जिसका नाम क्या है? अल्फ्रेड नोबल। के ऊपर नोबल प्राइज दिए जाते हैं, अवार्ड किए जाते हैं। इसने इन्वेंट क्या करा था? डेथ कब हुई है? 10 दिसंबर 1896। दिक्कत तो नहीं? एक कमेटी बनाई गई, एक इंस्टीट्यूट बनाया गया 1901 के अंदर, जिसने डिसाइड करा कि हम ना 5 फील्ड्स के अंदर ही अवार्ड देंगे, 1, 2, 4 और एक, 5 फील्ड्स के अंदर हम क्या देंगे अवार्ड? किस किस में देंगे? हम देंगे फिजिक्स, हम देंगे केमिस्ट्री के अंदर, हम देंगे मेडिसिन के अंदर, और हम देंगे लिटरेचर के। ठीक है जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका मेडिसिन, लिटरेचर, ठीक है जी, और आपका पीस, नहीं इकोनॉमिक्स, पीस के लिए 5 फील्ड। कौन सी फील्ड्स हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन,
लेक्चर, ठीक है जी, स्टार्टिंग के अंदर 1896 में डेथ हुई है, 1901 के अंदर ये स्टार्ट कराए। लेकिन 1967 के अंदर एक और कैटेगरी जोड़ी गई, ये जोड़ेगी इकोनॉमिक्स, इसके अंदर इकोनॉमिक्स ये कैटेगरी। तो मुझे ये चीज़ बताओ कि अगर इन सबको पांचों को 1901 से मिल रहा है तो ज़्यादा अवार्ड्स होंगे और इकोनॉमिक्स वाले कम अवार्ड्स होंगे, है ना। ये कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर। क्यों? 10 दिसंबर 1896 को इनकी डेथ हुई थी, अल्फ्रेड नोबल। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? स्टॉकहोल्म अंदर जन्म हुआ, ठीक है जी। और उन्होंने क्या इन्वेंट करा था? ये सिर्फ एक बार सुनना है कि जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है स्वीडन की, वो अवार्ड देती है फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है जी। द नोबल असेंबली ऑफ दिस वन, ये देती है मेडिसिन के अंदर। स्वीडिश एकेडमी देती है लिटरेचर के अंदर, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट, तो पीस के अंदर अवार्ड दिया जाता है, नोबल प्राइज पीस के अंदर तो दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। ये देती है नॉर्वे की पार्लियामेंट। वो कौन दे रहे थे? स्वीडन वाले। तो ये कौन देती है? नॉर्वे की। अलग अलग कंट्री, पड़ोसी मुल्क है, अलग अलग। तो जो पीस प्राइस है वो कहाँ दिया जाता है? ओस्लो के अंदर, कैपिटल ऑफ नॉर्वे, ठीक है। बाकी सारे अवार्ड्स पांच के पांच कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोल्म स्वीडन के अंदर। लेकिन नोबेल प्राइज ऑफ पीस कहाँ दिया जाएगा? नॉर्वे के अंदर, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है। और इकोनॉमिक्स के अंदर कौन देता है? बैंक ऑफ स्वीडन। सारे के सारे पांचों के पांचों स्वीडन के अंदर है। लेकिन जो एक अवार्ड है आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको मिलेगा नॉर्वे की पार्लियामेंट, ठीक है जी। गुड हो गया यहाँ तक तो, समझ में आ गया। अगर मैं आपसे थोड़ा सा रिवाइज करवाने की कोशिश करूं, तो यहाँ मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसका जन्म कहाँ पे हुआ? स्टॉकहोल्म, कैपिटल ऑफ स्वीडन के। इनका नाम क्या था? ABN, अल्फ्रेड बर्नार्ड। इन्होंने क्या खोज करी? डायनामाइट। इनका मृत्यु कब हुआ? 10 दिसंबर 1800। इन्होंने सोचा कि नहीं, मेरे डेथ के बाद कुछ ऐसा काम होना चाहिए कि पूरी दुनिया बार बार ही याद करे उस चीज़ को। 1901 के अंदर अवार्ड देना स्टार्ट करा के, लेकिन पांच कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते थे, 1, 2, 3, 4, तो ये पांच में दिए जाते थे, पांच में दिए जाते थे। किस किस में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसिन और आपका पी। फिर 1967 में भी एक चीज़ डिसाइड करी गई यार कि नहीं, हमें किस में देना चाहिए? इकोनॉमिक्स में भी अवार्ड हमारा डन हो गया, दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। इनमें सारे अवार्ड्स स्वीडन में, लेकिन ये कौन देता? पीस वाला, नॉर्वे की सरकार। तो ये मिलेगा भी कहाँ पर? ओस्लो के अंदर बट मिलेगा। अब इनको सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करना। इससे पहले जब 1901 ये बना नया नया अवार्ड, किस किस को दिया गया? पहली पहली बार ये अवार्ड्स पकड़ाए गए, तो पहले कितने अवार्ड दे देंगे? क्योंकि तो इकोनॉमिक्स का कब मिला? 1967 में डिसाइड करा गया, मेला 1969 में था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस और आपका लिटरेचर, पांच फील्ड। फिजिक्स में दिया गया विलियम रॉन्टेंजन, विलियम रॉन्टेंजन को दिया गया फिजिक्स के अंदर। जेकॉब हेनरिकस को यह दिया गया केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है जी। मेडिसिन में दिया गया इमिल एडोल्फ को, मेडिसिन के अंदर दिया गया। सुली प्रूडहोम को दिया गया लिटरेचर के अंदर, ठीक है जी। और हेनरी दुरंत, ठीक है जी, इनको दिया गया पीस के अंदर। 1967 में इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया था, लेकिन 1969 के अंदर पहला अवार्ड दिया गया इकोनॉमिक्स के अंदर। ये किसको दिया गया? ट्रेंगन फ्रिंच को और जैन ट्रिंगबन। तो ये छह जो फील्ड्स हैं इनको पहला पहला जो है ये अवार्ड हो गया। नोबेल प्राइज
कब कब नहीं दिया गया? 1940, 41, 42। क्यों? वर्ल्ड वॉर का टाइम था, इन वर्ल्ड वॉर। और लिटरेचर में कब कब नहीं दिया गया? 14 में, 18 में, 47 के अंदर अवार्ड नहीं दिया गया। नोबल प्राइज ना अधिकतर गोरे लोगों को ही मिला है, यूरोपियंस को, कैनेडियंस को, अमेरिकन्स को। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं वो किसको मिले हैं? अमेरिकन्स। ठीक है जी, मैक्सिमम जो है किसको मिले हैं? एक कपल था तो अवार्ड दिया गया पहली, वो थी एम क्यूरी और इनका पति पैरी क्यूरी। ऐसे कपल और भी हैं लेकिन ये कपल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एडम क्यूरी और पैरी क्यूरी। डन हो गया। पहली महिला जिसको ये अवार्ड दिया गया, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी एक ऐसी महिला है जिनको दो बार अवार्ड दिया। पहले इनको दिया गया 1903 के अंदर फिजिक्स के लिए, फिर 1911 के अंदर दिया गया केमिस्ट्री के अंदर। इनका ईयर पूछ, इनके ईयर्स क्या? मैडम क्यूरी को दो बार मिला है, एक बार फिजिक्स के लिए मिला और एक बार किसके लिए मिला? इनको केमिस्ट्री के लिए मिला। एक ऐसा व्यक्ति जिसको दो बार मिला हुआ है फील्ड के अंदर, वो थे लिनस पॉलिंग, पर केमिस्ट्री के लिए, एक बारी पीस के लिए। पहले एशियन, ठीक है जी, पहले एशियन, पूरे एशिया में जो पहला व्यक्ति था, इनका नाम था रविंद्र नाथ टैगोर। ये इंडियन थे लिटरेचर के अंदर। डन हो गया। पहली अफ्रीकन वुमेन नहीं पूछेंगे, और पहला पर्सन ये फिजिक्स में किसको मिला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है जी, अब हमारे यहाँ से कौन कौन से लोग हैं जिनको नोबल, बहुत कम लोग हैं। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर, ये पहले एशियन भी थे जिनको किसने लिटरेचर के अंदर अवार्ड दिया गया। ठीक है जी, लिटरेचर मतलब लिखावट लिखने के लिए, इनको मिला 1913 के अंदर। इनका नाम क्या था, किताब का नाम क्या था? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज इस बुक के लिए मिला, तो गीतांजलि के लिए मिला। कब मिला? 1913 के अंदर, पहले पर्सन। फिर आए सीवी रमन, इनको किसमें मिला? फिजिक्स के अंदर। इसलिए मिला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए इन्होंने बताया अपनी थ्योरम्स दी 1930। सीवी रमन फिजिक्स के लिए। हर गोविंद खुराना, इनको मिला मेडिकल साइंस के लिए। जब इन्हें मिला था तब ये अमेरिका में रहते थे। ठीक है, हर गोविंद खुराना। देखिए, ये बंदे का नाम आप, ये इंडियन ही थे, इनका नाम क्या है? वेंकट रमन रामाकृष्णन। ठीक है जी, ये एक इंडियन ओरिजिन के बंदे थे, मतलब उस समय इंडिया के सिटीजन नहीं थे, इंडियन ओरिजिन के थे। मान लो कि हम बाहर चले गए, हमारे बच्चे पैदा हुए हैं, तो वो इंडियन ओरिजिन के ही माने जाएंगे। इनको प्योर आप इंडियन नहीं मान सकते। सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, पूरे पूरे हर गोविंद खुराना भी जो है वो यूएस में ही रहते थे, और ये क्या है? इंडियन ओरिजिन थे उस समय अमेरिकन के। ठीक है जी, तो इसको नहीं देखना। के लास्ट हथियार थी, इम्पोर्टेंट है, इंडियन आएंगे। इनको 2014 के अंदर मिले, ठीक है जी, पीस प्राइज। इनको एक लड़की के साथ मिला था, उसका नाम था मलाला यूसुफ, जो पाकिस्तानी थे, पीस के लिए 2014 के अंदर। ठीक है, और ये पीस के अंदर हमारा पहला प्राइज था। इनका आंदोलन था एक बचपन बचाओ आंदोलन, इस आंदोलन के लिए इनको दिया गया। ये चाइल्ड लेबर को रोकते थे। ठीक है जी, कैलाश हथियार थे। पूछ सकते हैं कैलाश हथियार थे किसके साथ मिला है? उस व्यक्ति का नाम क्या था आपका? मलाला यूसुफ जैदी। इनका क्या कंसेप्ट है? मलाला यूसुफ अब तक की सबसे छोटी उम्र की लड़की थी जिसको नोबेल प्राइज मिला, 17 साल की। फिर आते हैं अमर्त्य सेन के ऊपर,
बड़े इम्पोर्टेंट है, ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको इकोनॉमिक्स के अंदर ये अवार्ड मिला, इकोनॉमिक्स के अंदर ये अवार्ड मिला, डॉक्टर अमर्त्या, डॉक्टर अमर्त्या जी 1998 ईयर्स याद कर लें 1990। मदर टेरेसा इंडियन नहीं है, ये कॉस्मोपोलिटियन थी लेकिन तब वो इंडिया में रहती थी, तो 1979 के अंदर मिला है मदर टेरेसा को, ठीक है जी। फिर आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अब ये लाहौर में जमे, चले अमेरिका में गए थे तो इनको इंडियन तो मानेंगे नहीं, लेकिन ये इंडियन ओरिजिन के थे, इनको फिजिक्स में मिला था, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभिजीत बैनर्जी, ये हमारे लास्ट थे जिनको ये अवार्ड मिला 2 साल पहले इकोनॉमिक्स के अंदर, अभिजीत बैनर्जी 2019 का, हमें इकोनॉमिक्स में दो आ गया, एक तो आया था 1998 के अंदर अमर्त्या सेन लेके आया था, और एक 2019 में कौन लेके आया, अभिजीत बैनर्जी, ठीक है जी। ये 17 के विनर हैं, ये 18 के, 19 के विनर्स हैं, आपने कुछ नहीं करना है, आप 20 के भी रहने दीजिएगा, आप 21 के पढ़ेंगे, आपको याद कराऊंगा, याद कैसे। अच्छा ये देख लीजिए, जो कपल हैं जिनको ये अवार्ड्स मिले हैं, तो मैरी क्यूरी पैरी क्यूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ये सारे ये 6 कपल्स हैं जिनको अभी तक मिल चुके हैं, ठीक है जी। इसके अंदर एक इंडियन, अभिजीत बैनर्जी और उनकी वाइफ इस्तर डुफ्लो, ये भी इम्पोर्टेंट, इन्हें 2019 में मिला ना, अभिजीत बैनर्जी को इकोनॉमिक्स के अंदर मिला था 2019 के अंदर मिला था, ठीक है जी। अच्छा मदर एंड डॉटर, मैरी क्यूरी और उनकी मदर, इकोनॉमिक्स के अंदर ही, मदर और डॉटर मैरी क्यूरी उनके मम्मी, फादर के लिए पैरी क्यूरी और उनके फादर को, ठीक है जी। ये फादर एंड सन और ये बेटा वाला, एक बार नज़र मार लेना, एग्जाम में सवाल बन सकता है। अच्छा अल्फ्रेड नोबल ने किसकी खोज करी थी, के अंदर, ठीक है ना, मेरा नोबल प्राइज दिया गया। अच्छा नोबल प्राइज 10 दिसंबर को क्यों देते हैं, क्योंकि इस दिन जो नोबल प्राइज थे उनकी, जो अल्फ्रेड नोबल थे उनकी क्या हुई थी, डेथ हो गई। जो नोबल लॉरेट्स हैं ईच ईयर, उन्हें कौन चुनता है, द नोबल प्राइज अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन, बॉडी बनाई गई। सारे के सारे अवार्ड स्टॉक हॉलम में दिए जाते हैं, एक अवार्ड बाहर दिया जाता है पीस का, वो कौन सा प्राइज है, पीस का कहाँ दिया जाता है, ओस्लो के अंदर दिया जाता है, द कैपिटल ऑफ, एग्जाम में सवाल आता है पीस का अवार्ड कहाँ देते हैं। अच्छा सबसे ज़्यादा अगर देखी जाए फैमिली जिसको नोबल प्राइज मिले तो कौन थी, क्यूरीज फैमिली थी, है ना, याद रहेगा आपको। ये देखो पहला बंदा जिसको लिटरेचर के अंदर अवार्ड मिला था, रविंद्रनाथ, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस ईयर में अवार्ड मिला था बता सकते हो, 1913 में, इसके लिए मिला गीतांजलि के लिए, सीवी रमन को 1930 के अंदर, इसके लिए स्कैटरिंग ऑफ, ठीक है जी। और गोविंद खुराना का मिला था मेडिसिन के लिए, ठीक है जी। लेकिन जो वेंकट रामा कृष्ण हैं ये इंडियन ओरिजिन थे, इंडियन नहीं थे, ठीक है ना, तो ये क्या लिखा हुआ, इंडियन ओरिजिन, तो इनका नाम क्या है, वेंकट रामा कृष्णन, ठीक है जी। फिर आया इंडियन बॉर्न है जिनको पीस के अंदर अवार्ड मिला पहले नोबल प्राइज, इनका नाम क्या था, डॉक्टर कैलाश सत्यार, बचपन बचाओ आंदोलन के पीस के लिए बाबू, ठीक है जी। चलिए ये कुछ नहीं, अब बात करेंगे 2021 की, 2021 में 6 फील्ड्स के लिए अवार्ड मिले, अभी आपने इनके काम याद नहीं करे, क्या आप मिल चुके हैं, मतलब नाम हो चुके हैं, नाम डिसाइड कर चुके हैं, मिलेगा दिसंबर के अंदर ना, 10 दिसंबर को मिलते हैं ना,
हम आ चुके हैं 6 के 6 फील्ड्स। बस आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है क्या, कि आप जो है इसको तोड़ तोड़ के पढ़ोगे। पहले आप याद करोगे इनकी कंट्रीज और इनको किस फील्ड में मिला है, इन्होंने क्या करा है, ये भी याद नहीं करो। ठीक है जी, पहले बात करते हैं हम लोग फिजिक्स की। बात करते हैं, राम से ध्यान से सुनना। अच्छा आप मुझे सबसे पहले बताओ कि जो पहला व्यक्ति है आपको वो किस कंट्री का लगता है? आपको अमेरिकन लग रहा है किसी भी तरीके से? ये है तो जापान का, लेकिन ये सिटीजन कहाँ का है? कहाँ का है ये? अमेरिका। जापान का इनका क्या है ओरिजिन है, लेकिन सिटीजन कहाँ का है ये? दिक्कत तो नहीं है, नाम याद रहेगा। एक बंदा जापान का था लेकिन फिजिक्स के अंदर उसका अवार्ड कहाँ से मिला है? अमेरिका। दूसरे को ना देखो ध्यान से, आपको कौन सा एक्टर लगता है? अनिल कपूर। शाबाश, बहुत बढ़िया। कौन सा एक्टर लगता है आपको? ये अनिल कपूर। तो ये कहाँ का है? जर्मनी का है। कहाँ का है? जर्मनी। इसका नाम, उसका नाम क्या था? साइकुरु माने। इसका नाम क्या है? कैलस। असल में क्या है? असल में। तो दिक्कत तो नहीं है, कहाँ का है ये? जर्मनी का। और तीसरा बंदा कौन है? जॉर्जियो पारसी। और ये कहाँ का है? दिक्कत तो नहीं है, पक्का? बहुत बढ़िया, मैं वहाँ छोड़ दो। ठीक है, वहाँ छोड़ दो, मैं जो जो कहूँ मेरे को जवाब देते रहना। मुझे एक चीज़ बताओ यार, एक बंदा जापान का था, उसकी सिटीजनशिप कहाँ की है? वो ऐसा क्यों करेगा? जापान में पैदा हुआ है ना, जापान का क्यों नहीं करेगा? वो कहाँ का कर रहा है? का मन करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका वो मन करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका वो मन करता है। क्यों करो? क्योंकि मन करता है। क्यों करो? क्योंकि वो मन करता है। कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? क्या बताया? देखो ये ना आपको याद ऐसे, हम एक क्लास में आ जाए, मेरे बच्चों को 2020 के भी याद है। कैसे याद है? मैंने कराए ऐसे वो मुंह जबानी। ठीक है, लूसी नाम था, हमने कुत्ती लिख दिया उसको। ठीक है जी, इस तरीके से याद करना, याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। कल मैंने उनसे पूछा ना इकोनॉमिक्स में किस किस को मिला अवार्ड, तो याद हो गया। अच्छा, बंदा कहाँ का था? जापान का। कहाँ का कर रहा है? अमेरिका का। ऐसा वो क्यों करेगा? क्योंकि उसका मन करता। कोई दिक्कत तो नहीं है, पहला बंदा क्लियर हो गया। अच्छा दूसरे बंदे की जरा फोटो देखो, कहाँ कैसा लग रहा था वो? अच्छा वाजिद ने बताया ना, अनिल कपूर। अनिल कपूर क्यों लग रहा था ये? अच्छा अनिल कपूर इन फेमस क्यों है? अपने तीन चीज़ों की, बॉडी को लेकर, हेयर की, ग्रोथ को लेकर। तो बात कर दो, इतने शरीर के अंदर बाल हैं उसके, इतने बाल हैं, दाढ़ी यहाँ तक आती है, क्या यहाँ तक बाल हैं उसको, ग्रोथ उसकी क्या है बालों की? बहुत याद। कोई तो दिक्कत तो नहीं है, आपने सेकंड बंदा देखा, खुद बोला अनिल कपूर, मैंने तो बोला ही नहीं, इसने बोला कि अनिल कपूर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बाल थे। अच्छा एक चीज़ बताओ छोटी सी, जिस बंदे के शरीर में बाल होंगे उसको थोड़ा हसल बसल करना पड़ता होगा अपने आप को सेट करने के लिए, मानते हो ना? कि आपको हसल बसल करना पड़ता होगा किसके लिए? बैल सेट करने के। तो नहीं, असल मैन। कौन सा मैन? असल मैन, असल मैन। अब इसका नाम हसल मैन क्यों हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में बहुत सारे बाल हैं वो क्या होगा? असल हो गया। असल, तो दिक्कत तो नहीं है, खत्म हो गया, दिक्कत नहीं है। और ये अनिल कपूर इंडिया का नहीं है, ये अनिल कपूर कहाँ का है? जर्मनी। जर्मनी का एक अनिल कपूर है, उसका नाम क्या है? हसल मैन। क्यों हसल मैन है? क्योंकि भाई अनिल कपूर है, उसके इतने सारे बाल हैं, बाल है तो हसल करता होगा, ऊपर से मर्द है वो। हसल, हाँ क्या हो गया? जर्मनी का।
कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक तो। अच्छा आप मुझे एक छोटी सी चीज अपने आराम से ध्यान से मुझे सोच के बताना। इंडिया का मुझे आपने मैप पे एक ऐसा इलाका बताना है, बहुत सारे फॉरनर तो बोला ही नहीं तुमने, बोला कौन सा इलाका है वो। अच्छा अगर मैं गोवा के फॉरनर्स को छोड़ दूँ, गोवा के फॉरनर्स नहीं देख रहा हूँ मैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, तो फिल्मों के अंदर उनको कैसा दिखाया जाता है, फिल्म्स के अंदर उन्होंने वाइट कलर की कैप पहनी होती है, पारसी तो नहीं है। हमारे यहाँ पर जो गोवा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन है, पारसी। कौन है वो, पारसी। और गोवा में सबसे ज़्यादा लोग आते कहाँ से हैं, इटली से। कहाँ से आते हैं, और ये तीन नाम है इस साल फिजिक्स के अंदर, ये बड़े ध्यान याद ना हो तो मुझे बताना, बड़े ध्यान AML फिजिक्स। ठीक है अमन से पूछ, अमन भाई मुझे बताओ तीन बंदों के नाम है, एक दो और तीन। आप मुझे ना सिर्फ ये बता दो कि जो जर्मनी वाला बंदा है उसका नाम क्या, तो फिजिक्स में अवार्ड मिला असल में। क्यों भाई, क्योंकि बाल बड़े सारे थे उसके अंदर, शरीर के अंदर असल ही रहता था। वो जर्मनी का एक बंदा था और एक उसका नाम क्या हो गया असल में, अमन। फिजिक्स में एक बंदा है इसको अमेरिका से अवार्ड मिला, उसका नाम क्या है, क्यों करा, क्योंकि उसका मन कर गया। साईं क्यों करा करे मना दे, अब इसकी फिनिशिंग क्या रहेगी। और वाजिद सबसे ज़्यादा लोग गोवा में कहाँ से आते हैं, इटली से आते हैं, और गोवा के लोग हैं कौन से, तीन नाम बताओ, कोई दिक्कत, कौन सा अवार्ड है। अच्छा मुझे एक छोटी सी चीज़ आराम से, जल्दी से अगर तुम्हारे पास, मैं अभी इस वक्त तुम्हारे अकाउंट के अंदर 20 लाख रुपए डलवा दूँ, तो तुम अपने पर्स में 20 लाख लेके घूमोगे, कोई कार्ड वगैरह लेके घूमोगे, मतलब तुम्हारी जो आर्थिक हालत है वो अच्छी हो गई है। कार्ड कौन रखते हैं, जिनकी आर्थिक हालत अच्छी होती है, मतलब जिनकी इकोनॉमिक्स क्या होती है, अच्छी होती है, उनकी जेबों में आपको क्या मिलेंगे, मतलब अगर मान लो एक रोड के ऊपर, एक रोड के ऊपर एक जो है हाँ बिल्कुल पानी पियो यार, चलो पहले पानी पी लो। याद हो गया ना, याद करा के छोड़ूंगा, टेंशन मत लो। क्योंकि तो ऐसे याद होते नहीं है, क्योंकि तो अपने को 20 तक याद करने हैं भाई, समझ रहे हो, हमें 20 तक याद करने हैं, 2021 तक के याद करने हैं, याद हो जाएंगे, याद होगा ना। तीन ना, अब सपने में भी कोई पूछ लेगा ना हसल मैन कहाँ का, तुम कहोगे जर्मनी का था, क्योंकि हसल मैन जर्मनी से था। अब हसल मैन अनिल कपूर है क्योंकि बाल होते थे, जापान का था, अमेरिका था ना, क्यों, क्योंकि उसका क्यों करें, क्योंकि उसका मन कर गया था। गोवा में पारसी आ रहा है, चलो यहाँ पे आते हैं इकोनॉमिक्स वाला, इसको पानी नहीं पूछा, ले पानी पिए वाला पी ले ना, क्या दिक्कत है।
जाओ, तेरी पूछा। चलो कोई, अच्छा हम आ रहे थे फिर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, तो तुम्हारे पास क्या हो गए हैं कार्ड जो है ना, तुम पास अच्छे खासे कार्ड हो गए, ठीक है ना, अच्छे खासे क्या हो गए आपके पास कार्ड हो गए। कार्ड्स क्या हो गया अच्छे का। अच्छा मैं बता रहा था कि हाँ, अब तुम रोड पे जा रहे हो, एक बंदा BMW चला रहा है और एक रिक्शे वाला है, गलती से BMW वाले ने रिक्शे वाले को मार दिया, तो रिक्शे वाला उतर के थप्पड़ मार सकता है उसको, उल्टा कर लो, BMW चल रही है, रिक्शे वाले ने पीछे से मार दिया, अब क्या होगा। मतलब जैसे इंसान के पास पैसा आता है गुस्सा भी वैसे ही आता है, क्या आता है गुस्सा आता है ना, तो गुस्से को क्या बोलते हैं एंगर। चलो भाई तुम्हारे पास पैसा आ गया, कार्ड्स आ गए, तुम्हारे में गुस्सा भी आ गया, ये गुस्सा दिखाते किसको, लड़कों को कि लड़कियों को। लड़कों को दिखाएंगे भाई, रोड पे जा रहा है तो अच्छे कपड़े पहने जा रहा है, लड़कों को दिखाने के लिए लड़कियों को दिखाने के लिए जा रहा है, लड़कियों को देख भाई मेरे पास कितना पैसा है, ये तो लड़कियां कौन होती हैं, गुड़िया, गुड़िया होती हैं गुड़िया, ये इस साल के इकोनॉमिक्स प्राइस। कार्ड आ गया, कार्ड आएगा तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो लड़कियों को पटाओगे, चेक करेंगे। डेविड कार्ड, जोसस डी एंग्रिस्ट, गुड़िया, ये गुड़िया पढ़ेंगे इसको हम, क्या पढ़ेंगे गुड़िया DMS। और ये तीनों बंदे कहाँ के हैं, US के, याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं। अब याद हो गया, सर कार्ड आ गया, कार्ड आया तो सर गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया तो सर जी लड़कियों को दिखाएंगे, और लड़कियां कौन है, गुड़िया, नाम याद हो। हमने दो प्राइस विनर अभी तक याद कर लिए। फिजिक्स अगर मैं पूछूं साइंस क्यों करे, कहाँ की कंट्री का है, मतलब जिसको अवार्ड मिला कहाँ से मिला है, US से मिला। सर हसलमैन कहाँ का है, जर्मनी का, नील का पूरा सर, वो तो जर्मनी का आ गया, हो गया जी। और तीसरा बंदा कौन था सर, पारसी, कहाँ से आते हैं सर, इकोनॉमिक्स में तीनों को कहाँ से मिला है, US से, कैसे सर, कार्ड आया, कार्ड आएगा तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो गुड़िया को बढ़ाएंगे, तीनों नाम हो गए, डन हो गया जी, डन हो गया जी। अब बड़े ध्यान से हम लोगों को पढ़ने हैं, ध्यान से। अच्छा आपने एक बंदे का नाम सुना होगा, बंदे का नाम है सलमान रशीद, सुना है सलमान रशीद, मर्जी प्रोनाउंस कर लो। ये एक बहुत बड़े एक लिटरेचरिस्ट हुए हैं जो किताबें वगैरह लिखते हैं, इन्होंने एक किताब लिखी सैतनिक वर्षा, और वो मोहम्मद प्रॉफिट साहब के बारे में गलत कहा गया किताब के अंदर। अब भाई गलत कहा गया तो इसने गुनाह करा है, गुनाह करा ना भाई, किसी भी धर्म के बंदे को गलत नहीं बोलना चाहिए, क्या करा इसने, गुनाह करा है, ही इज फ्रॉम इंडिया, भाग गया इंग्लैंड, हाँ भाग गया, और इंग्लैंड के अंदर MI6 ने उसको छुपाया, उसका नाम चेंज करा, वहीं रहता है वो, नाम वगैरह चेंज कर, और बोला गया कि इसको मार देंगे भाई जहां भी देंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा आराम से सोच, मैं किस बंदे की बात कर रहा हूं, सलमान रश्दी की बात। सलमान रश्दी क्या करता है, सलमान रश्दी किताबें लिखता है, किताबें गलत लिखी, उसने क्या करा, गुनाह करा, गुनाह करा, और वो कहां भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। अगर उसने गुनाह करा है तो उसके सारे दोस्त होंगे वो भी गुनाह करते होंगे, गलत तो नहीं कह रहा, वो भी क्या करते होंगे, गुनाह करते होंगे, एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या, उसके सारे दोस्त होंगे कहाँ के, इंग्लैंड के होंगे, सारे दोस्त भी इंग्लैंड के होंगे, सारे के सारे गुनाह भी करेंगे, और सारे के सारे किताबें लिखेंगे। इस साल जो लिखने के लिए, लिटरेचर के लिए जो ये अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है अब्दुल रजाक गुरना को, ठीक है जी, जिन्होंने
ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। आपने याद कैसे करना है? पुनः, ये आर हटा दो, पुनः है कहाँ का? ये इंग्लैंड का। और ये सच में कलीग है सलमान रश्दी, सच में है, ये ऐसे नहीं कह रहा, सच में है अभी, ठीक है जी, सलमान रश्दी का। अपन ने अभी तक तीन फील्ड्स याद कर ली है ना, दिमाग में बैठाना है इसको ध्यान से, मैं थोड़ा पजल करके पूछता हूँ। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे पहले इकोनॉमिक्स, अमन बता रहा है, अमन इकोनॉमिक्स में किन देशों के लोगों को अवार्ड दिया गया? सारे के सारे यूएसए। वाजिद, क्या आप रिकॉल कर सकते हो नामों को? कार्ड आ गया, ठीक है सर, गुस्सा आ जाएगा जैसे जैसे याद करना, मैं समझा रहा हूँ, कभी नहीं कार्ड गुस्सा गुड़िया नहीं, सर कार्ड आया, सर कार्ड आया तो क्या आएगा? गुस्सा है, डेबिट कार्ड, हमें कुछ करना ही नहीं, करना ही नहीं कुछ, अभी का करंट अफेयर नहीं है ये, उस साल बाद में आना है, तब याद करना मुश्किल है मेरे को, अगर इसको एक महीने बाद आना हो तो मैं डेबिट कार्ड याद कराऊंगा, इसको आना है दो साल के बाद है, अभी वाले पेपर में 2019 का पूछ रहे हैं, मेरे बच्चों को याद है कैसे, उन्होंने याद कैसे करा। चलो तीसरा क्या हो गया, सारे के हैं कहाँ के? चलो अमन बताएगा मुझे फिजिक्स के, कंट्री के साथ और नाम के साथ, ठीक है, क्यों मन कर रहा है, ठीक है, क्यों मन करे। अगला जर्मनी, शाबाश, हसल में, बड़ा अच्छा है, अनिल कपूर के बाल इतने सारे हैं, हसल में रहता है वो, हसल, शाबाश। और अब एक रह गया लिटरेचर का, लिटरेचर का कहाँ का रहने वाला है? इंग्लैंड का। और क्या कर दिया इसने? गुनाह कर दिया, क्योंकि सलमान रश्दी का क्या था ये, कर दिया। तीन नाम याद हो गए, कितने रह गए? तीन रह गए। अब किसके बात हम करेंगे? केमिस्ट्री की हम बात, बहुत ध्यान से, अभी तक तीन नाम याद हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, डन हो गया, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अमेरिका का कैपिटल क्या? वाशिंगटन, वाशिंगटन। तो अगर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म करूँ तो डब्ल्यू सी, वाशिंगटन डीसी, डन हो गया। क्या कैपिटल है ये? अमेरिका, यूएस का कैपिटल। अच्छा ठीक, बताओ मुझे ना, तुम मान लो कि पुलिस वाले बन गए हो, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, तो हम बोलते हो ना तुम मेरी हिट लिस्ट में, बोलता हूँ ना मैं, मेरी क्या है हिट लिस्ट, थोड़ा याद करो, वर्ल्ड वॉर का टाइम, जर्मनी में कौन था? तो हिटलर हिटलिस्ट तो बनाता ही होगा भाई, किसको मारना है, इसको मारना है, उसको मारना है, मारता हूँ यहूदियों का था वैसे तो, ज्यूज को मारता था, लेकिन लिस्ट बनाता था, इसको मारना है भाई, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, इसने कुछ पंगा करा, इसको मारो पहले, वो मारी का भाग गया था, फिर इसको मारो भाई, इसने भी कुछ करा है, यहूदियों ने कुछ करा है, ठीक है जी, तो लिस्ट बना, खत्म केमिस्ट्री के। भैया जर्मनी में बनती थी लिस्ट, कहाँ बनती थी? जर्मनी के अंदर बनती थी क्या? लिस्ट। और अमेरिका का कैपिटल क्या है? डब्ल्यू सी, केमिस्ट्री का। अब याद करें कैसे करें कि केमिस्ट्री का ही है, कुछ नहीं करना, ध्यान लगाओ थोड़ा सा। हिटलर ने ना भाई साहब इतने अलग अलग तरीके ढूंढे थे लोगों को मारने के लिए, जिसकी कोई गिनती नहीं। पहले क्या करता था? कब्र खोदता था, हजार लोगों को अंदर फेंक देता था। उसके बाद कंसंट्रेशन कैंप थे उसके, गैस छोड़ता जहरीली, बहुत बुरे तरीके से मारा हिटलर, ठीक है जी, गैसेस वगैरह सब कुछ वगैरह, तो कहाँ पे आए? मिस्टेक, कहाँ से याद हो गया? थोड़ा पजल कर रहा हूँ दोबारा से।
फिजिक्स पढ़ा दिया, केमिस्ट्री पढ़ा दिया, इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया, और कौन सा पढ़ा दिया, लिटरेचर पढ़ा दिया। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत। अब मैं आपसे एक एक करके पूछूं, ठीक है? चार है, स्टार्टिंग फ्रॉम अमन। अमन, लिटरेचर में किसको मिला और किस कंट्री से मिला वो बताना है। बस गुनाह करा। वाजिद, केमिस्ट्री के अंदर। हाँ, जर्मनी का है, लिस्ट बनेगी, ठीक है मेरे भाई। अमन, रमन सॉरी, इकोनॉमिक्स के अंदर भाई। टेक योर टाइम, मुझे कोई जल्दी नहीं। टेक योर टाइम, आराम से, टेक योर टाइम, बहुत आराम, तसल्ली से, टेक योर टाइम। एंग्रिस्ट, शाबाश। एंग्रिस्ट होगा कब? जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे। तुम्हारे पास क्या आएगा? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आ गया, दिखाना किसको है? लड़कियों को, गुड़िया को दिखाना है। और भाई तीनों अमीर बंदे हैं कहाँ के? अमेरिका के, ठीक है। अब आ गया भाई फिजिक्स का, तो मुझे कौन बताना चाहिए है? वाजिद, चलो वाजिद बताओ। क्या नाम था उसका? क्यों मन कर रहा था, शाबाश, क्यों मन कर रहा था। अनिल कपूर हो गया जर्मनी का, अनिल कपूर हो गया जर्मनी का असल मैन। और तीसरा कौन हो गया? इटली का पारसी। शाबाश, बहुत बढ़िया। अपने ने चार जो फील्ड्स हैं उनके नाम याद, ठीक है जी, नाम याद। दो साल तक नहीं भूलोगे, ठीक है, नहीं बोलो। जब आपके एग्जाम में सवाल आएगा ना ये वाला, आप कहोगे कि हाँ सर ने कहानी तो सुनाई थी कोई ना, कार्ड वाली, कार्ड से गुस्सा आया था, गुस्से से गुड़िया पटाई थी सर, गुनाह कर दिया था इंग्लैंड में जाकर। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बड़े आराम से इसको अब हम पढ़े, ठीक है, बड़े आराम, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से। पीस, शांति, पीस, अच्छा मुझे बताओ, अक्सर जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं या हमारे देश दुनिया के लोग हैं, कोई भी एक चीज़ कहते हैं, मन की शांति होना बुझ, गलत कह रहा हूँ क्या? मन की शांति होना बहुत ज़रूरी है। शांति मतलब पीस। दो बंदों को मिला है, पहला बंदा मन मनीला, कहाँ का है? मनीला। दोबारा समझो, हम क्या बोलते हैं? मन की शांति, मन की यानी कि पीस। मन से क्या बना? मनीला। क्या बन गया? मनीला। मनीला जो है ना, वो राजधानी है फिलीपींस की। मन की राजधानी क्या है? मनीला राजधानी किसकी है? वो जो पहला बंदा है वो कहाँ से आया, ठीक है? अच्छा, जब हम बचपन में होते थे, तुम्हारा तो पता नहीं है, तो बचपन में जब होते थे तो मुझे तो मन की शांति मिलती थी जब मैं मारियो की गेम खेलती। तुम लोगों ने खेली है मारियो की गेम? शांति मिलती थी। हम तो 1 रुपए के 4 सिक्के लेते थे, चल भाई डाला अंदर, मारियो खेलना। स्नो ब्रोस आती थी, मारियो आती थी, क्वांटम आती थी, हैं, टेकन 3 आती थी। मारियो खेलते थे और मन को क्या मिलती थी? मनीला कहाँ की राजधानी है? तो जो पहला बंदा है उनका नाम है मारिया रेसा, यानी कि मारियो। मारिया रेसा मतलब कि मारियो। और मन की शांति है सर, पीस का बुजुर्ग है। मन की शांति कहाँ की शांति सर? मनीला की। मनीला राजधानी कहाँ की है? चले, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मुझसे ख़त्म।
ये तो अगला इतना आसान है कि भूलोगे ही नहीं। रशिया के जो प्रधानमंत्री है ना, उनका नाम है द्रिमित्री, नहीं नहीं पुतिन नहीं, वो तो राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर पुतिन, तो व्लादिमीर पुतिन है प्रधानमंत्री बता रहा हूँ, द्रिमित्री। और जिसको अवार्ड मिला है उसका नाम भी द्रिमित्री है। द्रिमित्री कहाँ का होगा? रशिया, पहचान हो जाएगी। द्रिमित्री कहाँ का हो गया? एक और से याद कर लो, मैंने एक और से भी बना रखा है। रशिया के अंदर ना भाई ये न्यूज़पेपर चलाता है पुतिन के खिलाफ। भाई पुतिन ऐसा बंदा है ना, अगर उसको पता चल गया तुम उसके खिलाफ हो, मुंह तोड़ देगा तुम्हारा। मूड तोवा, मूड तोवा मतलब मूड तो, ये रशिया वर्ड है ना, तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो गया? मूड तोड़ देगा, मूड तोवा। तो इन दो बंदों का मिला किसके लिए? पीस के। पहला क्या हुआ? मन की शांति, मारियो खेल के मिलेगी। और दूसरा दिमित्री प्रधानमंत्री है, नहीं तो ऐसा कहो मुंह तोड़ देगा। कौन तोड़ देगा? पुतिन। तो पुतिन कहाँ का भाई? पांच फील्ड्स जेब में आ चुकी हैं अब तक, पांचों फील्ड्स। एक दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। एक दो तीन, ये चार हो रहे कि आराम से दोबारा से पजल कर देता हूँ। लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, पीस और हमारा कौन सा था एक और? केमिस्ट्री। एक वन मिनट ब्रेक, माइंड को पजल कर लो सारे नामों के साथ। अमन अभी गलती नहीं चाहिए, अमन ने पिछली बार नहीं बताया था ना, अमन ने बताया। हाँ अमन बोल, बताया था किसने? नहीं बताया था रमन ने तो बताया था, नहीं रमन ने बताया था, अमन ने नहीं बताया। पुराना बताया था ना, एंग्रिस्ट याद ही नहीं रहेगा दो साल के बाद। जैसे मेरी अब क्लास का एक्शन पढ़ोगे, धुआं धुआं बता देंगे फ्रांस का था, पर कारपेंटर का काम चल रहा था फ्रांस के अंदर, धुआं धुआं ऐसे याद कर रखा हूँ। सर ल्यूसी कहाँ की है? सर कुत्ती अमेरिका की है, लिटरेचर में था लास्ट, वैसे याद करते याद रहता है उसको। कर दू जी, स्टार्ट करें जी। चलो भाई आई विल स्टार्ट फ्रॉम फिजिक्स। कौन बताना चाहिए? अमन, चलो अमन बताए। रमन, हाँ मन कर रहा है, क्यों मन कर रहा है? शाबाश जी, क्यों मन कर रहा है? अगला बंदा जी, जर्मनी का अनिल कपूर, हाँ हसलमैन, शाबाश भाई शाबाश हसलमैन। इटली के लोग जो लोग होते हैं, इसने तो बता दिया अपना फिजिक्स का। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, वो बताना चाहेगा हम रमन क्या मन सर ये बताएगा। वैसे अमन का भी हाथ खड़ा था, ठीक सारे यूएसए से, ये पहली बात तो बढ़िया कि सारे के सारे यूएसए से है। कार्ड एंग्रिस्ट गुड़िया, ठीक है जी गुड़िया, तीन नाम हो गए ये वाले, कार्ड एंग्रिस्ट और गुड़िया लक्ष्य भी बता रहे हैं। अब आ जाओ भाई आप लिटरेचर के ऊपर, बताना है इंग्लैंड का था गुनाह करा था, इंग्लैंड का था और क्या कर दिया? गुनाह कर दिया। फिजिक्स पीस के ऊपर आ जाओ। मारियो फिलीपींस का, वो तोड़ देगा। मूर्तोवा द्रिमती, मूर्तोवा का केमिस्ट्री, बहुत बढ़िया, देखा आ गया ना माइंड के अंदर। जर्मनी के अंदर बनेगी लिस्ट, जर्मनी के अंदर बनेगी लिस्ट, और यूएस का कैपिटल क्या बन गया? डब्ल्यू सी वाशिंगटन। ये होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड जवाब देता है। एक दो तीन चार, एक फील्ड रहेगी मेडिसिन वाली,
कोई समस्या तो नहीं है अपने को? हाँ आराम से, पहले 1 मिनट का ब्रेक ले। आराम से टेक 2 मिनट्स ब्रेक, 1 मिनट ब्रेक, माइंड को घुमा लो नामों के साथ। ये तो बहुत उससे भी सहना ही वाला, तो 2 मिनट में आ जाएगा। नंबर देना, नंबर दे दो। कल फाइनल है ना उसका? कौन कौन सी जा रही हैं कंट्रीज के? हाँ वैसे अपने को कोई दिक्कत नहीं, मैंने सारा बना लिया, बस टाइम लगता है बनाने में उसको भी, काफ़ी डीप में पढ़ाना पड़ता है उसको, IPL वगैरह, क्योंकि तो एग्ज़ाम में प्रकार सवाल आता है, नोबल प्राइज़ भाई 2007 से पढ़ना। कुछ भी पूछ, मैंने बनाया ऐसे हुआ कि आपको बता दूंगा याद कैसे करना। स्टार्ट करूं भैया?